हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टार कुक चैनल। आज के वीडियो में मैं जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जलेबी बनाना ना बहुत ही आसान है, आप इसे घर पर 15 से 20 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जलेबी का चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है जिस पे मैं एक कटोरी पानी डालूँगी। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी, मैं 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। हमने जितना पानी लिया है उसका हमें डबल चीनी डालना है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे स्पून की मदद से। अब थोड़े से फ्लेवर के लिए मैं चाशनी में 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड करेंगे ताकि चाशनी में क्रिस्टल्स ना जमे। तो 5-7 मिनट बाद आप देखेंगे कि चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाई है, मैंने नॉर्मल चीनी को मेल्ट किया है और चाशनी बनाया है। अब हम चाशनी को साइड में रख देंगे। तो अब चलते हैं हम जलेबी का बैटर बनाने की तरफ। मैंने यहाँ 1 कटोरी मैदा लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे। मेरे पास यहाँ येलो फूड कलर है, अगर आपके पास फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और अब इंस्टेंट फर्मेंटेशन के लिए हम इसमें इनो डालेंगे। इनो डालने के बाद हमें जलेबी के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें लगभग 1/2 कटोरी चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। चावल का आटा इसमें ऐड करने से जलेबी जो है वो थोड़ी क्रिस्पी बनती है। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। जलेबी का बैटर रेडी हो चुका है, अब हम इसे एक बॉटल में भर लेंगे। मेरे पास ये घर में एक बॉटल पड़ी हुई थी, मैंने जलेबी के बैटर को इस बॉटल में भर लिया है। अब हमें एक पैन में ऑयल गरम करना है। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जलेबी फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जलेबी फ्राई करना बहुत ही आसान है। ये देखिए स्पाइरल 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 एंड देन क्रिस क्रॉस, फिर से स्पाइरल 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 एंड देन क्रिस क्रॉस, स्पाइरल 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 एंड क्रिस क्रॉस। जलेबी को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि जलेबी दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। देखिए जलेबी जो है वो दोनों तरफ से सिक गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हम इसे तुरंत चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में हमें जलेबी को ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस 5 से 10 सेकेंड के लिए रखना है। जलेबी हमारी गर्म है और चाशनी भी थोड़ी सी गर्म है, तो 5 से 10 सेकेंड में ही जलेबी जो है वो चाशनी को अपने अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी। और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं एक और बैच जलेबी का बनाकर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से स्पाइरल स्पाइरल एंड देन क्रिस क्रॉस। उसके बाद हम इसे भी चाशनी में डुबो देंगे बस 5 से 10 सेकेंड के लिए। और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए रेडी है हमारी जलेबी। मैं इसे थोड़े से पिस्ता बादाम से गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए हमारी जलेबी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनी है। हमने जो चावल का आटा इसमें ऐड किया था उसके वजह से जलेबी जो है वो थोड़ी क्रंची और क्रिस्पी बनती है। तो बस अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें।
और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।